हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर, वो है कैसे हमने ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर कंट्रोल को यूज़ करना है, जो बेसिकली हमें एजेक्स की टूल किट में अवेलेबल है। तो अगर आपको नहीं पता कि एजेक्स की टूल किट को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो हमारे ही चैनल के ऊपर एक वीडियो ट्यूटोरियल ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें हमने बताया कि कैसे आप जो है एजेक्स की टूल किट को बड़े ही इजी वे से डाउनलोड भी कर सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं अपने पीसी और लैपटॉप के ऊपर। तो वो वीडियो ट्यूटोरियल आप एक बार ज़रूर देख लें अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए, पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर बेसिकली होता क्या है कंट्रोल। तो ये एक ऐसा एक्सटेंडर है जिसकी हेल्प के साथ जो है आप किसी भी ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ जो है पैनल को अटैच कर सकते हैं एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो अभी ये मेरे पास एक लाइव एग्जांपल है, पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा बेसिकली जो ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर है वो वर्क कैसे करता है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। उसके बाद में आपको मैं बताऊँगा कैसे आप बड़े ही ईजी और सिंपल वे के साथ जो है अपनी वेबसाइट के अंदर ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर को जो है यूज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटी है वो और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सिलेक्ट योर कंट्री। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर, तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक लिस्ट व्यू की जगह पे एक पैनल डिस्प्ले हो रहा है। तो ये बेसिकली पैनल मेरे ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर की हेल्प के साथ ही डिस्प्ले हुआ है। और जैसे ही मैं यहाँ से कोई भी कंट्री को सिलेक्ट करूँगा, जैसे यहाँ पे मैंने इंडिया को सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसके अंदर जो हमारी सिलेक्टेड कंट्री है रेडियो बटन लिस्ट की हेल्प के साथ जो मैंने सिलेक्ट की थी वो डिस्प्ले हो चुकी है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो है मैसेज डिस्प्ले हो चुका है कि यू हैव सिलेक्टेड कंट्री इंडिया। तो यहाँ पे जो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, तो जो ये पैनल डिस्प्ले हो रहा है, तो ये बेसिकली ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर की हेल्प के साथ ही डिस्प्ले हो रहा है। तो चलिए एक बार फिर से कोई और कंट्री सिलेक्ट करके देख लेते हैं। जैसे ही मैंने कोई और कंट्री सिलेक्ट की, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी सिलेक्टेड कंट्री का जो नेम है वो आ चुका है। और जैसे ही मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ से जो है एक मैसेज डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके की एग्जांपल आपने कैसे क्रिएट करनी है, कैसे डेवलप करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देते हैं और इस रनिंग प्रोजेक्ट को क्लोज ही कर देते हैं, एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं। उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइल पे न्यू, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वेबसाइट। अब यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है विजुअल सी शार्प, यहाँ से एम्प्टी वेबसाइट और अपनी वेबसाइट की जो वेब लोकेशन है फोल्डर का नेम है वो प्रोवाइड करना है, ऐसा फोल्डर जो आपके पीसी के ऊपर होगा और जिसके अंदर आपका जो सारा ही सोर्स कोड होगा इस प्रोजेक्ट का। तो चलिए यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ ड्रॉप डाउन फोल्डर का नेम, ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर ASP.NET और एजेक्स। तो ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, जैसे ही मैंने ओके के ऊपर क्लिक किया, आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर माउस की हेल्प के साथ और ऐड करते हैं ऐड न्यू आइटम, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वेब फॉर्म। आप चाहें तो वेब फॉर्म का जो नेम है वो असाइन कर सकते हैं, मगर मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रन देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं जो ब्लैंक वेब फॉर्म है वो मेरा ऐड हो चुका है प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए इसके डिज़ाइन के अंदर चलते हैं और सबसे पहले इसका डिज़ाइनिंग वाला जो पार्ट है उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला जो कंट्रोल यूज़ करेंगे वो है लेबल कंट्रोल। तो यहाँ पे लेबल के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा टूल बॉक्स के अंदर। तो जैसे ही मैंने लेबल के ऊपर डबल क्लिक किया, आप देख सकते हैं लेबल मेरा वेब फॉर्म के ऊपर आ चुका है। तो चलिए प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम लिख देते हैं हरिति स्टडी हब। तो ये बेसिकली चैनल की प्रमोशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली वीडियो ट्यूटोरियल जो है अपलोड करते रहते हैं। तो उससे आपको काफ़ी जो आपकी नॉलेज है वो इंक्रीज़ होगी, आपकी जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है वो इम्प्रूव होगी और आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए टूल बॉक्स में से एक और लेबल को इंसर्ट करते हैं और इस लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर जो अपने प्रोजेक्ट का हेडिंग है वो लिख देते हैं यूज़
ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर यूजिंग एजेक्स ASP.NET और सी शार्प। तो चलिए यहाँ से जो इसका फॉर कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं, मैं रेड कर देता हूँ। अब हम मैं आपको बताऊँ कि जब भी आपने एजेक्स की टेक्नोलॉजी को अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करना है तो एक कंट्रोल सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपकी एजेक्स के रिलेटेड जितनी भी फंक्शनैलिटी है उसको इम्पोर्ट करेगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर। तो वो जो कंट्रोल है, इम्पोर्टेंट कंट्रोल है टूल बॉक्स के अंदर, वो है एजेक्स की जो एक्सटेंशन वाली कैटेगरी है उसके अंदर है स्क्रिप्ट मैनेजर। तो इसको सबसे पहले आप ऐड कर दें अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो डबल क्लिक करके मैंने इसको इंसर्ट कर दिया अपने वेब फॉर्म के ऊपर। तो चलिए यहाँ पे एक और टेबल इंसर्ट करते हैं और इस टेबल की जो नंबर ऑफ़ रोज होंगी वो होंगी 2, जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे वो भी होंगे 2। ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। तो चलिए मेरा जो टेबल है वो इंसर्ट हो चुका है वेब फॉर्म के ऊपर। तो इसको थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं यहाँ से और अब हम यहाँ पे लिखेंगे योर कंट्री नेम। और अब हम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन, सिंपल जो ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल है उसको यूज़ करेंगे। तो ये मेरा ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल है, तो इसको अभी हम कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसके साथ जो है ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर को यूज़ करना है। तो चलिए यहाँ पे टूल बॉक्स में से एक बटन को इंसर्ट करते हैं और इस बटन को थोड़ा सा रीसाइज कर लें और इसकी प्रॉपर्टीज़ की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम लिख देते हैं सबमिट। तो अब आप चाहें तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और अब हम यहाँ इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे और इसका यहाँ से जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करेंगे। आप येलो अपने अकॉर्डिंगली जो है कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपने बॉर्डर प्रॉपर्टी है इसकी, उसके अंदर 1 लिख के एंटर करना है। इससे जो टेबल की लाइंस हैं वो थिक हो जाएंगी, बॉर्डर लाइंस। और अब हमने जो है यहाँ पे एक लेबल को यूज़ करना है ताकि सिलेक्टेड जो कंट्री होगी उसकी जो मैसेज है उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले करने के लिए एक लेबल यूज़ करते हैं। और इस लेबल की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको अभी के लिए जो हम ब्लैंक कर देते हैं। तो चलिए अब आपने जो है एजेक्स की टूल किट जो है ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखी है। आप देख सकते हैं मेरे पास जो वर्ज़न है एजेक्स की टूल किट का वो है 15.1 और इसके अंदर जो हमने कंट्रोल यूज़ करना है वो करना है ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर का। तो यहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं मगर जो सिंपल मेथड है वो है यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से जो है आप ऐड एक्सटेंडर कर सकते हैं। मगर ऐड एक्सटेंडर करने से पहले आपको एक पैनल तैयार करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे एक पैनल को इंसर्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं पैनल और ये देखिए पैनल है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे पैनल के ऊपर ये हमारे वेब फॉर्म के ऊपर ऐड हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं इस पैनल को। अब आप चाहें तो यहाँ से इस पैनल का जो बैकग्राउंड कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से पैनल का जो बैकग्राउंड कलर है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लाइट ग्रीन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे जो है रेडियो बटन लिस्ट को यूज़ करना है टूल बॉक्स में से। तो ये मेरा रहा रेडियो बटन लिस्ट कंट्रोल। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको मैं इंसर्ट करूँगा अपने पैनल के ऊपर। अब आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है और आइटम्स के अंदर जाना है और यहाँ पे आप कंट्रीज़ के नेम जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो 5 कंट्रीज़ के नेम जो है मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर ऐड कर देते हैं कंट्रीज़ के नेम। और ये रहा मेरा 5वां कंट्री का नेम। तो अब हम चलिए इसके ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं तो रेडियो बटन जो है लिस्ट वो हमारी तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हमने जो है इस पैनल के रिलेटेड जो है CSS में थोड़ी सी कोडिंग करनी है। तो वो कोडिंग आपने कैसे करनी है, सबसे पहले सोर्स के अंदर जाइए और यहाँ पर आपने जो है यहाँ पे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टाइल वाला टैग है इसके अंदर ही हमने कोडिंग करनी है। तो यहाँ पे हम एक क्लास को इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पैनल डॉट के बाद पैनल CSS और उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग और इसके अंदर हम लिखेंगे इसकी एक एट्रीब्यूट है विजिबिलिटी और कॉलन के बाद लिखेंगे
तो ऐसे ही आपने कोडिंग, एक लाइन की कोडिंग यहाँ पे करनी है, और इस पैनल सीएसएस को यहाँ पे अपने पैनल के सीएसएस के अंदर यूज़ करना है। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ये पैनल है, और इस पैनल के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे सीएसएस, और क्लास जो है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पैनल सीएसएस, और इससे आपका जो पैनल है वह पहले हिडन रहेगा, और जैसे ही आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तब आपका जो पैनल है वो डिस्प्ले होगा। तो चलिए अब हमने जो एक्सटेंडर को यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए एक बार। और एक बात और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे सबसे पहले इसको ब्लैंक कर दूँ मैं, और इसको सेव कर दूँ एक बार। और डिज़ाइन के अंदर जो आपकी ये रेडियो बटन लिस्ट है, इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसका नेम है ऑटो पोस्ट बैक, तो इसको आपने पहले ट्रू कर लेना है हाइड करने से पहले अपनी जो पैनल है उसको। अब हम दोबारा से इस पैनल के ऊपर सीएसएस अप्लाई कर देते हैं, तो चलिए और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं पैनल सीएसएस, और अब हमने यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर जाना है दोबारा से, और यहाँ पे क्लिक करना है, इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो ऐड एक्सटेंडर है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर को अप्लाई करना है इस पैनल, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर। ओके के ऊपर क्लिक करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं जो ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर है वो उसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। अब आपने सोर्स कोड के अंदर जाना है, और इसकी एक और प्रॉपर्टी है जिसका नेम है, यहाँ से ये आप देख सकते हैं मेरे पास ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर की कोडिंग आ चुकी है सोर्स के अंदर, और इसको आपने डिलीट कर देना है, और यहाँ पे आपने लिखना है ड्रॉप डाउन कंट्रोल आईडी, और इसके अंदर आपने पैनल वन लिखना है, क्योंकि पैनल की जो हमारी आईडी है वो है पैनल वन। तो चलिए अब आपने जो डिज़ाइन के अंदर जाना है, और सबमिट बटन के ऊपर जो कोडिंग करनी है, जो लिस्ट बॉक्स की जो सिलेक्टेड इंडेक्स है उसके ऊपर जो कोडिंग करनी है वो आपको मैं बता दूं कैसे आपने करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे सोर्स कोड के अंदर जाइए, सॉरी डिज़ाइन के अंदर जाइए, और इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, और इसके यहाँ पे आपको दोबारा से इसको सीएसएस एक बार फिर से मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, ताकि मैं वो कोडिंग भी आपको बता दूँ जो रेडियो बटन लिस्ट के ऊपर आपने करनी है। तो यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर चलिए, यहाँ पे आपने जो है सेलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना है, और इसके इवेंट के अंदर जो आपका एक एक्शन है जिसके अंदर लिखा हुआ है सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज, तो उसके ऊपर कोडिंग करनी है। डबल क्लिक करने से आपका जो कोड एडिटर है वो ओपन हो जाएगा। तो जो कोडिंग है वो ऑलरेडी मैंने कर रखी है यहाँ पे, ये टेक्स्ट फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कोडिंग जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो कोडिंग काफ़ी इजी है, सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट को आपने जो है क्लियर करना है, उसके बाद में एक वेरिएबल यूज़ करना है कंट्री, और जो भी आप रेडियो बटन लिस्ट के अंदर आइटम को सिलेक्ट करेंगे या चूज़ करेंगे उसका जो टेक्स्ट है वो इस कंट्री के अंदर आ जाएगा, और उसके बाद में हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर जो है एक आइटम जो है ऐड करेंगे लिस्ट आइटम के थ्रू, और उसको जो पैरामीटर पास करेंगे वो करेंगे उसकी जो नेम है और उसके बाद में जो वैल्यू है। तो चलिए ये कोडिंग आपने कर दी, उसके बाद में जो कोडिंग आपने करनी है वो करनी है सबमिट बटन के ऊपर। तो यहाँ पर आपने लिखना है लेबल 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट टेक्स्ट, और इसको कॉन्कैटनेट करना है जिस स्ट्रिंग के साथ वो है, योर सिलेक्टेड कंट्री इज, और इसको कॉन्कैटनेट करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 डॉट टेक्स्ट के साथ। तो चलिए अब आपने इसको दोबारा से हाइड करना है अपने इस पैनल को, तो उसके लिए सोर्स कोड में जाएंगे, और यहाँ पे जो इसका पैनल का कोड है उसके अंदर अपनी सीएसएस वाली जो क्लास है उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीएसएस क्लास, यहाँ पे यूज़ करेंगे पैनल सीएसएस। तो चलिए अब हमारा जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल रेडी है, डिज़ाइनिंग वाला पार्ट, कोडिंग वाला का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है रन हो चुका है, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के इस पॉइंट के ऊपर, आप देख सकते हैं
मेरा जो पैनल है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो इस पैनल से जैसे ही मैं कोई कंट्री को सिलेक्ट करूँगा तो वो कंट्री आप देख सकते हैं इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आ चुकी है। और जैसे ही मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैसेज है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टॉपिक पता चल गया है, आपको समझ आ गई है कि ड्रॉप डाउन एक्सटेंडर को कहाँ पर यूज़ करना है और उसकी वर्किंग क्या है, थोड़ी बहुत दिक्कत आपको पहला प्रोजेक्ट क्रिएट करने में होगी, मगर धीरे धीरे आप जो है फेमिलियर हो जाएंगे इस कंट्रोल के साथ और काफ़ी यूज़ करेंगे इसको अपनी वेबसाइट्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम वीडियो ट्यूटोरियल जो है डेली अपलोड करते रहते हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है जिसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो आइडिया मेरे साथ आप कमेंट के थ्रू या मेल के थ्रू जो है शेयर कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे आपके आइडिया को इम्प्लीमेंट करके एज ए वीडियो ट्यूटोरियल चैनल के ऊपर अपलोड कर पाएँ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, इसी तरीके से अपना सपोर्ट जो है चैनल के साथ बनाए रखिए और अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सीखते रहिए, आपकी नॉलेज जो है इंक्रीज़ करते रहिए और हमारे साथ जो आइडियाज़ हैं वो शेयर करते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।